अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ असद एंड यू वाचिंग बाइक मेड पीके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होंडा की नई प्राइसेस के बारे में। सो आज 1 जून है और जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे नया महीना आता है वैसे वैसे होंडा की नई प्राइसेस भी आती हैं। सो ये कैसे हो सकता था कि महीना चेंज होता और होंडा अपनी प्राइसेस ना अपडेट करता। सो आज की वीडियो में जो नई प्राइसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगेन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है प्राइसेस में और होंडा की प्राइसेस को कोई नहीं पहुंच सकता। जो और कंपनीज हैं वो भी बढ़ाती हैं प्राइस साथ साथ, लेकिन जितने रैपिडली और जितना कंटिन्यूसली होंडा प्राइसेस बढ़ाता है उतना कोई नहीं बढ़ाता। सो स्टार्ट करते हैं इनकी जो बाइक की नई रेट लिस्ट है। मैं आपको पुरानी रेट लिस्ट भी बताता हूँ, नई भी बताता हूँ और जो डिफरेंस है वो भी आपको साथ साथ बताता हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। स्टार्ट करते हैं होंडा CD70 से। सो ये तमाम फैमिली गाइस का जो है फेवरेट बाइक है और आजकल जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस चल रही हैं और जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से 70 जो है वो काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देता है। मैं माई सेल्फ एक होंडा यूज़र हूँ, लेकिन मेरे पास 125 है जो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करता है अगर उसे कंपेयर किया जाए CD70 से। सो CD70 की अगर बात करें उसकी पुरानी प्राइस जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा थी 1,02,000, अभी वो बढ़ा के 1,06,500 कर दी गई है, यानी कि 3,500 रुपये का इसमें इजाफा किया गया है। इसी में CD70 में एक आपको ड्रीम वर्जन मिलता है जो कि 1,09,500 का था, जो कि अभी बढ़ा कर 1,13,500 कर दिया गया है और इसमें 4,000 रुपये का इजाफा किया गया है। यहाँ पर थोड़े से जो इंक्रीज़ है वो आपको बाइक की प्राइसेस के हिसाब से देखने को मिलेगा। CD70 की जो प्राइसेस हैं उनमें इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। अब इससे ऊपर वाली कैटेगरी में बढ़ते हैं 100 CC वाली, जिसमें होंडा हमें प्राइडर ऑफर करता है। सो इसकी पहले जो प्राइस चल रही थी 1,39,900 थी, जो कि अब बढ़ा के 1,44,900 कर दी गई है, यानी कि सीधा सीधा 5,000 रुपये का इंक्रीज इसमें किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं एक ऐसे मोटरसाइकिल की तरफ जो कि कंपनी से खुद एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, होंडा CG125, जिसमें हमारे पास 3 वेरियंट्स आ जाते हैं। एक नॉर्मल 125 है, एक 125 SE है और इसके अलावा एक CB125F है। सो अगर हम नॉर्मल वाले CG125 की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, उसकी पहली प्राइस थी 1,63,500 रुपये, जो कि अब बढ़ा कर 1,68,500 कर दी गई है, यानी कि इसमें भी 5,000 रुपये का इजाफा किया गया है, जो कि एक इंसेन अमाउंट ऑफ प्राइस है अगर आप इसे कंपेयर करते हैं इसके कंपटीटर्स के साथ, जिनकी प्राइस 1,00,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। और अगर आप होंडा की प्राइसेस देखते हैं तो उससे 70,000 आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। सो उस प्राइस में आप एक और 70 CC चाइनीज़ बाय कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा डिसीजन रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये प्राइस किसी तरह भी अपने जो बाइक है उसको जस्टिफाई नहीं करती जो चीज़ें हमें उसमें प्रोवाइड की गई हैं। अगर हम बात करें 125 SE की, तो उसकी जो पुरानी प्राइस थी 1,93,500, जो कि अब बढ़ा के 1,98,500 कर दी गई है, इसमें भी 5,000 रुपये का आपको इजाफा देखने को मिला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि होंडा 125 की प्राइस अभी 2,00,000 के मार्क को टच कर गई है तकरीबन। अब 1,99,000 के आसपास आपको ये मिलेगा नंबर वगैरह लगा के, तो ये आपको 2,10, 2.25 तक तो पड़ ही जाएगा। सो मुझे नहीं समझ आती कि ये प्राइस कैसे जस्टिफाई करती है और कंपनी किस मद में ये प्राइस बढ़ा रही है। एक तो पेट्रोल की प्राइस कहाँ जा रही है और इनकी प्राइसेस हर महीने जो है 5-6 हज़ार आराम से बढ़ी रही होती हैं। अगर हम बात करें CB125F की, सो 2,44,900 रुपये इसकी पुरानी प्राइस थी, जो कि अब बढ़ा के 2,53,900 कर दी गई है और इसमें जो इंक्रीज़ आया है वो तकरीबन 9,000 रुपये का आया है। अब ये क्योंकि कहा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, इनमें इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि हम मान सकते हैं डॉलर की वजह से फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन जो मॉडल पाकिस्तान के अंदर बनते हैं उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हर महीने के हिसाब से लगातार एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जब मैं आपको CB125F की प्राइस बता दी जिसमें 9,000 रुपये का इजाफा किया गया है, अगर CB150F की बात की जाए सो उसकी पुरानी प्राइस तकरीबन 3,00,000 थी, 2,99,900 रुपये, जो कि अब बढ़ा के 3,08,900 रुपये कर दी गई है, इसमें भी 9,000 रुपये का इजाफा किया गया है। जो इसका स्पेशल एडिशन आता है CB150F का, उसकी पुरानी प्राइस थी 3,03,900, जो कि अब बढ़ा के 3,12,900 कर दी गई है, इसमें भी 9,000 रुपये का डिफरेंस आया है। सो यहाँ पर आप इसकी जो प्राइस डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। जो 70 सीरीज़ हैं उनमें 3,500 रुपये का इजाफा किया गया है, जो 100 से 125 हैं उनमें तकरीबन 5,000 रुपये का आपको डिफरेंस मिला है। इसके अलावा जो 150 सीरीज़ है और 125F है, जो कि कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं, इसमें आपको 9,000 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। अब जितनी भी ये बाइक्स हैं इतनी कोई हाई एंड बाइक्स नहीं है कि हर महीने आप इनमें इजाफा करते फिरें। अब अगर आप देखें तो पिछले मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा महीना मिस हुआ है जिसमें इनकी प्राइस इंक्रीज़ ना हुई हो।
जब स्टेबल भी थी तब भी इंसेन अमाउंट ऑफ प्राइस थी, अपनी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं करती। 2 लाख का 1-5 आप लेके क्या करेंगे, 2 का भी नहीं बल्कि तकरीबन 2.25 का, 2 का तो आपको नॉर्मल वाला जो क्लासिक मॉडल है वो आपको मिलता है। सो जो स्पेशल एडिशन है वो आपको 2.25 के आसपास मिलेगा, और 2.25 में या 2.25 तक के आपको 150 मिल जाता है सुजुकी GS 150, और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जिनमें आपको इम्प्रूव टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें मिल रही हैं। सो उनकी तरफ क्यों ना बंदा जाए अगर पैसे लगाने ही हैं। नो डाउट उनकी भी प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन कम से कम वो कुछ ना कुछ न्यू ऑफर कर रहे हैं और अच्छा ऑफर कर रहे हैं इनसे एटलीस्ट। सो आई डोंट नो कि अब ये प्राइसेस कहाँ तक मजीद जाएंगी, और हर महीने जो प्राइसेस हैं वो आप होती रहती हैं। इसके बारे में आवाम बहुत परेशान है, लेकिन समझ नहीं आती कि आवाम बाई क्यों करती है। हर महीने जो इनके सेल्स के रिकॉर्ड हैं वो भी ऑफ द रूफ जा रहे होते हैं, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने वो तोड़ रहे होते हैं। उसको वो भी चीज़ भी समझ नहीं आ रही कि कौन ऐसे बंदे हैं जो बाई कर रहे हैं। अब मैं माई सेल्फ एक पहले ही बता चुका हूँ कि होंडा यूज़र हूँ, मेरे पास 21 मॉडल अभी होंडा CG 125 है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है इसे बाय करने के बाद, क्योंकि इसमें जितने मैंने पैसे पे किए हैं अराउंड 1.5 लाख, वो जस्टिफाई नहीं कर रही है बाइक। इससे पहले जो मेरे पास पुराने मॉडल्स थे होंडा के, मैं शुरू से ही होंडा का यूज़र रहा हूँ, मेरे पास 14 मॉडल, इसके अलावा 10 मॉडल और 13 वगैरह भी थे। सो उनमें जो है इसमें मुझे इससे बेहतर क्वालिटी मिल रही थी। अब ये जो बाइक है इसमें काफ़ी सारे जो है उन्होंने चीज़ों पे कट डाउन किया है, इतनी रिलायबल नहीं है जितने के पुराने मॉडल से, लेकिन प्राइस अगर आप इसकी देखें तो पहले मॉडल से डबल आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। नो डाउट नया है, सब कुछ है, लेकिन जितनी ये प्राइस हमसे डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ ये जस्टिफाई नहीं कर पाते। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो नहीं आई होगी क्योंकि प्राइस इसमें एक नहीं है, हमने वो कर दिया, प्राइस हाई को आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन आप तक ये न्यूज़ पहुंचाना ज़रूरी थी क्योंकि हर महीने ये प्राइसेस अपडेट हो रही हैं। आई होप कि जो प्राइसेस हैं वो कहीं पे स्टेबल होंगी और मुल्क के हालात जो हैं बेहतर होंगे। जो तमाम इस वक्त सिचुएशन चल रही है, किसी चीज़ का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। जो पेट्रोल की प्राइस रिसेंटली ज़्यादा हुई वो तो एक अलग ही किस्सा है, हर बंदे के साथ उसमें जुल्म हुआ है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे हालात बेहतर हों और ये प्राइसेस कहीं पे तो जाके रुकें या कम हों, लेकिन कंपनीज़ का ये है कि एक दफ़ा ऊपर चली गई तो नीचे आना उन प्राइसेस का नामुमकिन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।